यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अब ये दूसरा सिद्धांत बताते हैं कर्म का। यज्ञ यह एक भगवान विष्णु का नाम है। आप लोग जो विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हो उनको पता होगा ओम यज्ञाय नमः। यज्ञ भगवान का नाम है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। जो कर्म हम भगवान को छोड़ करके अपने लिए करते हैं वो कर्म का बंधन निर्माण करते हैं। अब कैसे देखो, आप मंदिर में गए, भगवान के वहाँ जितनी साफ सफाई करनी करी, फूलों की माला दी, जो करना है किया आपने, तो आप भगवान के लिए कर रहे हैं ना। फिर आपको क्या मिला? प्रसन्नता। ध्यान से सुनना, कर्म से आनंद की अपेक्षा रखना ये कर्म के बंधन का लक्षण है और कर्म के माध्यम से आनंद को प्रकट करना ये कर्म योग का लक्षण है। तो जो हम कर रहे हैं ये क्या हम खुशी को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं या खुशी को प्रकट करने के लिए कर रहे हैं? अब देखो दोनों में क्या फर्क है। मैं बोल रहा हूं ये कर्म है। अब दो ऑप्शन है, मैं खुशी को प्राप्त करने के लिए कहूं या खुशी से कहूं। तो समझो मैंने खुशी को आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रवचन प्रारंभ किया है तो मेरा ध्यान कहाँ होगा? प्रवचन खत्म होने के बाद जब मैं उठूंगा तो सब लोग कहेंगे स्वामी जी आप बहुत अच्छे बोले, उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। माने मैंने अपने जीवन की खुशी भविष्य काल में ढकेल दी ना। और ये खुशी कहाँ है? आपके जेब में। और आप ये कहोगे नहीं क्योंकि इतना चाहिए ही नहीं, तो फिर मैं बोलते समय भी सुखी नहीं, बाद में भी सुखी नहीं। और यदि दूसरे प्रकार से यदि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो खुशी के साथ कह दूं तो आप भले बोर हो मैं तो खुश हूं। देखो सत्तो, जीवन में जो भी करना है केवल आनंद को प्रकट करने के लिए करना है। कर्म करो खुशी को प्रकट करने के लिए, बोलो खुशी को प्रकट करने के लिए, विचार करो खुशी को प्रकट करने के लिए। जो व्यक्ति प्रसन्नता को प्रकट करता है वो कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता, कभी किसी की हानि नहीं कर सकता। सुखी आदमी कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। इसीलिए यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धः तो करेगा तदर्थं कर्म कौन्तेय। तो क्या करे? यद्यत् कर्म करोमि तत्तद् अखिलं शम्भो तव आराधना। अपने जीवन के सभी कर्म परमात्मा की आराधना के लिए करें।